सिंगरौली में नगर निगम चुनाव को लेकर मतदाता सूची में नाम हटाने और जोड़ने को लेकर भाजपा कांग्रेस में मारपीट की घटना हुई थी, जिसको लेकर कांग्रेस ने भाजपा मंडल अध्यक्ष देवेश पांडे के खिलाफ प्रदर्शन किया और FIR दर्ज करने की मांग की। इस दौरान कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया गया। मतदाता सूची में नाम जोड़ने व हटाने को लेकर कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह व भाजपा मंडल अध्यक्ष देवेश पांडे के बीच पिछले दिनों हाथापाई व मारपीट हुई थी। वहीं दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ थाने में पहुंच गए थे, जिसमें मंडल अध्यक्ष देवेश पांडे के आवेदन पर अखिलेश सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हो गया। उस मुद्दे को लेकर कई गुटों में बटी कांग्रेस पार्टी के एक गुट ने जयंत चौकी पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भीषण महामारी के बीच कांग्रेसियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया और सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी धरना स्थल पर जमा हुए। बताया जा रहा है कांग्रेस द्वारा देवेश पांडे के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए चौकी पर दबाव बनाया जा रहा है। थाना प्रभारी राघवेंद्र द्विवेदी ने कहा कि जांच पड़ताल में कमलेश्वर उर्फ लड्डू सहित 6 अन्य व्यक्तियों पर इस घटना को लेकर मामला दर्ज किया गया है। पिछले 7-8 दिन पहले सेक्टर B दुद्धी चौक में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और काटने को लेकर के और भाजपा और कांग्रेस से कुछ कार्यकर्ता थे जो आपस में भिड़ गए थे, एक दूसरे के साथ झूमा झटकी हुई थी। जो भाजपा कार्यकर्ता थे प्रतीक अग्निहोत्री, उनके रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध अखिलेश सिंह, अभिषेक सिंह, कृष्णा सिंह के विरुद्ध किया गया था और इनके द्वारा भी अखिलेश सिंह के द्वारा शिकायत की गई थी कि मेरे साथ भी मारपीट की गई है और उनका एक्सरे करवाया गया, लेकिन एक्सरे में कोई भी चोट उनको नहीं आई थी। उनके द्वारा ये भी कहा गया था कि मेरा पैसा लूटा गया है, ये सब बातें बताई गई थी। उसके जो एप्लीकेशन था उनकी भी जाँच हो रही थी, उस जाँच से उनको संतुष्टि नहीं थी, इस कारण आज वो धरना प्रदर्शन आयोजित किए थे। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, खेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।